हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। और ये होने वाली है हमारी मोड का पार्ट नंबर 1। 2000 years later। अगर आप एक माइनक्राफ्ट लवर हो तो आप सबसे पहले सुबह उठकर माइनक्राफ्ट को खेलते हो। तो यार कमेंट करके जरूर बताना क्या आप खेलते हो या नहीं खेलते हो। एंड उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको वर्ल्ड क्रिएट करते हो। एंड उसके बाद आप डिफोरेस्टेशन करना चाहते हो, उसके बाद आप अपना अच्छा सा घर बनाते हो। बट ज्यादा सर्वाइव ना करने के बाद आप क्रिएटिव में चले जाते हो। एंड क्रिएटिव में थोड़ा सा घर बनाते हो एंड उसके बाद आप बोर होके जो है वर्ल्ड को डिलीट मारते हो। और यार आपकी जितनी मेहनत है सारी पानी में जाती है और आपको बहुत ज्यादा बोर हो जाते हो। एंड बोर होने से आपको बहुत बेकार लगता है, आप माइनक्राफ्ट खेलना मतलब लगभग छोड़ना चाहते हो। बट यार वरना आप इस वीडियो को फुल वॉच करते हो तो यार आपका जो माइनक्राफ्ट है इंटरेस्टिंग हो जाने वाला है। क्योंकि यार इस वीडियो को फुल वॉच करने के बाद, इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपका जो है माइनक्राफ्ट फिर से यार इंटरेस्टिंग बन जाएगा। क्योंकि यार आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप अपने माइनक्राफ्ट को इंटरेस्टिंग बना सकते हो। क्योंकि यार आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे मोड्स के बारे में बताऊंगा जिन मोड्स को ट्राई करके आप अपने माइनक्राफ्ट को यार इस तरह आप अपने माइनक्राफ्ट को इंटरेस्टिंग बना सकते हो। यार इस वीडियो को फुल वॉच करना। और आपको बना ये वाली वीडियो अच्छी लगती है तो मस्ट भी आप लाइक कर देना, क्योंकि एक लाइक से मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होता हूँ। तो यार एक लाइक जरूर कर देना, एक लाइक से कोई पैसा आपको देना नहीं पड़ता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइक कर दो, मैं मोटिवेट हो जाऊंगा और आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा। एंड मस्ट भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके पास की घंटी को ऑल पे सिलेक्ट करो, क्योंकि आप ऑल पे सिलेक्ट ना करने से आपके पास वीडियो नहीं आती। और सब्सक्राइब करने से आपको पता है क्या होता है, हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन एंड हमारे वीडियोस सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाता है, वो भी यार बिल्कुल फ्री। आपको हमारे चैनल की सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगी, कोई भी पैसा देना नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट करे माइनक्राफ्ट को इंटरेस्टिंग बनाने की शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने कितने माइनक्राफ्ट वेपन्स यूज किए होंगे, लाइक आप लोगों ने स्वॉर्ड, क्रॉसबो, ज्यादा से ज्यादा बो यूज किया होगा। बट यार इस मोड को आप अपना माइनक्राफ्ट में डालते हो तो यार आपको मिलने वाला है बहुत सारे मॉडर्न वेपन। लाइक इसमें आपको गन देखने को मिलने वाला है, वो भी एक गन नहीं, इसमें बहुत सारे गन मिलने वाले हैं। सारे का मतलब है इसमें आपको पिस्टल से लेकर आपको मिलने वाले स्नाइपर्स, मतलब AWM और जितने भी स्नाइपर्स आते हैं सबको मिलने वाला है। मतलब आपको फ्री फायर और पबजी का मजा माइनक्राफ्ट में मिल जाएगा। मल्टीप्लेयर अपने दोस्त को बुलाओ और खेलो 2-in-1 का मतलब। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो देख सकते हो कितना मस्त मोड है, इस मोड को डाउनलोड करने के बाद आपको मजा ही आ जाएगा। वाह मोदी जी वाह। अब ना आपको इस मोड को डाउनलोड करना है तो यार कुछ भी नहीं करना, आपको वीडियो को फुल वॉच करना है। वीडियो के बिल्कुल एंड में आपको बताऊंगा कैसे आप इस मोड को डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल एंड में बताऊंगा। और यार बहुत ज्यादा मस्त एंड है, तो अभी का भी छोड़ के एंड में मत चले जाना, क्योंकि आगे बहुत मस्त मस्त मोड आने वाले हैं, वीडियो को फुल वॉच कर लेना। तो चलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार मोड की तरफ। गाइस आप लोग माइनक्राफ्ट में मॉडर्न गन डाल के थोड़ा सा मॉडर्न तो बना लिए होगा, बट अगर आप उसे और ज्यादा मॉडर्न बनाना चाहते हो, यस गाइस उसमें आप टीवी, फ्रिज से लेकर आप हर वो चीज ऐड करना चाहते हो जो आप रियल में देखते आए हो, तो यार ये मोड आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग होगा। इस मोड को डालने के बाद आपको वो हर चीज देखने को मिलेगी जो आपको रियल लाइफ में बहुत ज्यादा मॉडर्न बनाती है। यस गाइस आपको मोबाइल से लेकर टीवी से लेकर कैमरा से लेकर हर वो चीज जो आपको आज के टाइम में लग्जरियस थिंग्स के नाम से आप जानते हो, इस चीज को माइनक्राफ्ट में डालने के बाद आप अपने घर को और ज्यादा मॉडर्न बना सकते हो, मॉडर्न हाउस में मॉडर्न थिंग्स। तो यार कितना मस्त लगेगा, सोचने में इतना अच्छा लग रहा है, आप ट्राई करके देखो कितना मस्त होगा। और अगर आपको ये वाली मोड को डाउन करना है तो यार वीडियो को फुलवॉच करो, लास्ट में आपको डाउनलोड प्रोसेस भी बताने वाला हूँ। तो अगर आपको इस वाले मोड को माइनक्राफ्ट के मोड आपके माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में डालना है तो इस वीडियो को फुल वॉच कर लेना। यार आप लोगों ने माइनक्राफ्ट में कितने ही एनिमल देखे होंगे, ज्यादा ज्यादा चिकन, काउ, सीप, पिग और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अगर आपको भी रियल लाइफ में जितने सारे एनिमल है उनके साथ माइनक्राफ्ट का मजा उठाना है तो ये मोड आपके इस विश को पूरा करता है। इस मोड को जस्ट आपने अपने माइनक्राफ्ट में डालना है और आपके माइनक्राफ्ट में लॉयंस, टाइगर से लेकर अमेज़न के सारे एनिमल से लेकर आपके सवाना के सब की सब एनिमल हो, बर्ड्स हो, रेप्टाइल हो, सब की सब इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप इन्हें टेम करना चाहते हो तो यार मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई, वहां से जाकर आप टेम कैसे करना है वो जान सकते हो, ठीक है? तो वहां जाके चेकआउट जरूर कर लेना। तो यार बहुत मस्त मोड है भाई, बहुत ज्यादा मस्त है। और सही बताऊं तो इसमें एनिमल जो है रैंडम में देखने को मिलेगा, मतलब कोई भी आपको ऐसा नहीं है कि आप क्रिएटिव में जाके इनके मतलब एग ढूंढो। हाँ क्रिएटिव में एग मिलेंगे बट आपको ये रैंडमली मिलेगा, बट इनके अलग अलग जगह में, मतलब ऐसा लॉयन आपको सवाना से ज्यादा मिलेगा तो वो सवाना ही मिलेगा। और अगर ना आपको एक एनाकोंडा ढूंढना है तो एनाकोंडा के लिए आपको जाना होगा
एक ऐसे जगह में जहाँ पे आपको पता होगा यहाँ पर एक बुश होता है जहाँ पर बीच का भी हट होता है, वो जो थोड़ा सा मिट्टी मिट्टी टाइप का एरिया होता है उधर जाना पड़ेगा। वरना आपको एक एनाकोंडा चाहिए क्योंकि वो माइनक्राफ्ट का ऐसा कह सकते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो देखो यार ये मोड बहुत मस्त है और ये आपकी एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड हो गया, मतलब आपको पूरा का पूरा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाते रहता है। आप रियल लाइफ में बेबी होना तो चाहते होंगे कि क्या हम बेबी बन जाए, पुराना टाइम की तरह हमें पढ़ना ना पड़े, हम भी खेलते रहे, मौज मस्ती करते रहे, कोई काम ना करो बस खेलते रहो। तो जी हाँ आप ये चाहते हो, बट आप रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि टाइम का काटा बना आगे चला गया तो वो पीछे कभी नहीं आता। बट माइनक्राफ्ट एक ऐसा जगह है जहाँ पर आप ये कर सकते हो। यस गाइस, इस मोड को आप बना माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में डाल देते हो तो सही में ट्रस्ट मी गाइस आपका जो स्टेप है वो बेबी बन जाए। बेबी मतलब ये नहीं कि वो छोटा साइज का बेबी बन जाए, जी नहीं यार, उसमें पावर आ जाएगी बेबी को। ऐसा कह सकते हो उसमें VIP पास मिल जाएगा उसे, उसे कोई भी मार नहीं सकता, कोई कितने भी कोशिश कर ले, आधा हार्ट भी बचा होगा ना तब भी कोई भी उसे मार नहीं पाता। एंडर ड्रैगन भी चाहे तो उसे नहीं मार सकता। और इसमें एक और फीचर आप देख के खेल के देख लेना, जैसे आप लकड़ी को देखते रहोगे तो लकड़ी गायब हो जाएगी, लकड़ी मतलब टूट के अपने आप गिर जाएगी। तो ऐसे बहुत तगड़े तगड़े फीचर आप जैसे ट्राई करना, खेल के आपको बताना कैसा है ये वाला मोड। भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मस्ट बी चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि यार इस वीडियो में बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है, स्क्रिप्टिंग एडिटिंग से लेकर सब कुछ में बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बना आपको भी माइनक्राफ्ट रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है। सो चलते हैं अपने नंबर वन मोड की तरफ। ऑलराइट गाइस, हम आ चुके हैं नंबर वन मोड की तरफ। तो ये मोड कोई भी क्रेजी मोड नहीं होने वाला, ये मोड ऑल्सो एक स्कैरी मोड है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में जो बताया था ये एक स्कैरी मोड है। अब देखो मैं इस मोड की कोई क्लिप तो दिखाऊंगा नहीं क्योंकि YouTube के खिलाफ है, ये YouTube के कॉमेडी गाइडलाइन रूल्स के खिलाफ है। बेसिकली एक हीरो ब्राइन का मोड है, इसको डाउनलोड के बाद आप हीरो ब्राइन को समॉन कर सकते हो या फिर हीरो ब्राइन आपके वर्ल्ड में आपको अपने आप स्पॉन हो सकता है और आप पर हमला कर सकता है, ऐसा कह लो। अब मैंने वो क्लिप इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि बहुत डरावना क्लिप है, वरना आप सामना कर लेते हो हीरो ब्राइन का तो आपके आसपास ऐसी ऐसी चीज़ें होगी जिससे काफ़ी ज़्यादा मतलब डर लग जाएगा। तो इसलिए YouTube के गाइडलाइन के खिलाफ है क्योंकि इससे बच्चे जो है डर सकते हैं। अब मैं भी बहुत डर गया था इसलिए मैं आपको क्या डराऊं, इसलिए मैं लेकर ही नहीं आया, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसका क्लिप नहीं आपको दिखाया, बट डाउनलोड कर लेना। बता दो तुम डाउनलोड प्रोसेस, देखो यार ये जो हीरो ब्राइन वाला मोड है इसको डाउनलोड करने के लिए आपको मतलब डाउनलोड तो आप कर लोगे, मीडिया फायर की लिंक मैंने दी हुई है, बट यार इसको बना बात करें अपने माइनक्राफ्ट में डालने का तो यहाँ पर जेडआर कीबोर्ड डाउनलोड कर लेना, सबके सब मोड जेडआर कीबोर्ड के थ्रू ही होंगे। फिर उसके बाद उसे एक्सट्रैक्ट कर लेना इस मोड को और जो फोल्डर निकल के आएगा उसे देकर आपको जो है रिसोर्स पैक मतलब बिहेवियर पैक और रिसोर्स पैक दोनों में पेस्ट कर देना, ठीक है। तो उसके बाद काम हो जाएगा, बना रिसोर्स पैक निकल के आया तो रिसोर्स पैक में, बना बिहेवियर आया तो बिहेवियर में, ठीक है। तो कर लेना और जितने ही मोड है सबको क्या करना है बताता हूँ। जो आपने फाइल डाउनलोड किया दूसरे वाले मोड की उसे रीनेम कर देना है और जिप को हटा देना है, ठीक है। जो जिप लिखा होगा फाइल में वो हटा देना है, ओपन विद एस कर देना है। तो फिर ये आपका माइनक्राफ्ट में ओपन हो जाएगा, रिसोर्स पैक और बिहेवियर पैक एक्टिव करो, क्रिएट करो, मजे करो। सो गाइस दैट्स फॉर टुडे गाइस, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो पे एम करते हैं 1K लाइक का, आई होप यू कंप्लीटेड। सो हैव अ नाइस डे, गुड बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।